वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। एसएससी बैच 2021 के लिए गुड न्यूज है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है ओवरऑल, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो साइंस का सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन पार्ट्स पार्ट्स में चैप्टर में हुआ है। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि कौन से पार्ट टेक्स्ट बुक के कैंसल्ड है, और क्लियरली समझना जरूरी है। तो उसके लिए एग्जैक्ट करेक्ट जो डिलीशन है, जो करेक्ट जो कैंसिलेशन है चैप्टर्स में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। आप देखोगे अगर एसएससी साइंस का, तो जैसे हम एक्सपेक्ट करते थे वैसा नहीं हुआ है। मतलब हम चाहते थे कि चैप्टर ही कैंसिल हो जाए, तो हमारे जो चैप्टर है साइंस वन में 10 चैप्टर, साइंस टू में 10 चैप्टर, तो उनको कम कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। साइंस के सारे चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर थोड़े थोड़े पार्ट कैंसिल हुए, तो अब ये फ्रस्ट्रेटिंग भी है। लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर होती है, जो उन्होंने पार्ट्स कैंसिल किए हैं, मतलब कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा ये भी हमको करना था, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ये सब वो प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में आप देख रहे हो, यहाँ पे यूज ऑफ आईसीटी, ये पार्ट कैंसिल किया है, तो आप ये अपनी बुक में मार्किंग कर सकते हो। तो ये अभी हम सोचेंगे ये क्या, हम वैसे भी नहीं करते ये, लेकिन जो ये पार्ट्स कैंसिल हुए, आगे भी आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये पूरा पार्ट कैंसिल्ड है। तो ये इससे एक बात तो क्लियर है, ये देखिए ये पूरा पार्ट कैंसिल है। जैसे जैसे आप कैंसिलेशन देख रहे हो, आप अपनी बुक में ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये है जो कैंसिलेशन है, इससे हमको ये बात क्लियर पता चल रही है कि बोर्ड में इससे भी सवाल आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे के ही सवाल नहीं आते। बोर्ड पेपर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर से सवाल आते हैं, और ये पार्ट कैंसिल हुए मतलब इतना हमको स्टडिंग कम हो जाएगा। और उसके अलावा एक और बात ये क्लियर होती है, और जो अच्छी बात है, कि हमारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे। तो 2021 का पेपर इजी होगा, बोर्ड एग्जाम इजी होगा, इसके हाई चांसेस है, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स है कैंसिल हो चुके हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे जो डेरिवेशन पूरा था डिफिकल्ट पार्ट, वो कैंसिल हो चुका है। तो ये यूज योर ब्रेन पावर पेज 5 पे कैंसिल हो चुका है। अब हम पेज 6 पे जा रहे हैं, तो पेज 6 पे सॉल्व एग्जाम्पल से वो है, यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है, डू यू नो कैंसल्ड है, तो वही है। तो आपका जो है एग्जाम्पल्स है, इवन टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अच्छा सिलेबस हम कैंसिल कर रहे हैं, बोर्ड ने बताया कैंसिल कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल के बारे में उन्होंने नहीं बताया, जो एक्सरसाइज है उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वहां पे क्या कैंसिल हो रहा है। लेकिन उसके बारे में भी हमको एक बात तो क्लियरली पता चलती है कि टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे सवाल है, और अगर हमको कोई बता दे कि भाई टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल इंपॉर्टेंट है, वो करना है, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात ही है, क्योंकि नहीं तो हम बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो सिलेबस कम तो हुआ ही है, नो डाउट इन दैट। ये देखिए यहाँ पे मास एंड वेट का ये पार्ट पूरा कैंसिल्ड है, जहां तक बताया है वहां तक ही कैंसिल कीजिए, क्योंकि स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड्स बोले कि यहाँ से यहाँ तक कैंसिल करना है। तो पूरा मराठी में एक्चुअली पूरा जो फाइल है उनकी वो मराठी में, तो उसको हमको समझ के सही से जो टेक्स्ट बुक में जहां तक लिखा है वहां तक ही कैंसिल करना है। तो रॉन्ग कैंसिलेशन करेंगे तो जो पार्ट हमको लगेगा नहीं है सिलेबस में, वो एक्चुअली है अभी सिलेबस में। और ये भी बात है, ये सिलेबस रिडक्शन सिर्फ 2021 के लिए है, आगे ये नहीं होगा। और ये सिलेबस रिडक्शन भी क्यों हो रहा है, आप देख सकते हैं पेज 9 पे रिड्यूस्ड है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कूल्स बंद है, पेज 10 पे भी यहाँ पे, तो स्कूल्स बंद है, तो इसका मतलब कि आप स्कूल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो, वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है जैसे पहले हो सकती थी। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, या आप मार्किंग्स भी साथ में करते जाओ। पेज 11 पे देखो सॉल्व एग्जाम्पल सारे है, तो आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, क्योंकि स्कूल अटेंडेंस का इतना आपके पास बर्डन नहीं है, आप इतना स्कूल जाके थक नहीं रहे हो कि आपके बाकी टाइम ना हो। पेज 13 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 14 पे डू यू नो कैंसिल है, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये देखिए आप अगर कोई एक्सरसाइज देखोगे तो एक्सरसाइज में से यहाँ मास वेट वाला सेक्शन कैंसिल था तो ये कैंसिल हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कैंसिल था तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन वही है, टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे सवाल रहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस रिडक्शन कुछ खास नहीं हुआ है, मतलब कि ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम है और स्कूल्स इतना हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जो आइडियली उनको देना चाहिए, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम भी इजी ही होगा। इसके हाई प्रोबेबिलिटीज है, आपको सवाल जो आएंगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इजी होंगे, जो आप यहाँ पे इवन एक्सरसाइजेस अच्छे से करोगे तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है, ये पूरा सेक्शन कैंसल्ड है। ये तो आइडियली जो आपको पढ़ाई करनी चाहिए उसके अंदर आपको ये सब कुछ भी याद रखना होता है, ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है। और ये देखिए न्यूलैंड ऑक्टेव में ये डू यू नो कैंसल्ड है, ये पूरा लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल कैंसल्ड है, राइट।
ये देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं है। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट एक्चुअली पूरी बुक में सब जगह पे कैंसिल्ड है, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव सवाल या कुछ नहीं आने वाला है। तो इतना आपका पढ़ाई कम हो रही है, पर कंपैरेटिवली ये बात सच है कि साइंस में कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिडक्शन नहीं हुआ है, तो सुपरफिशियल रिडक्शन है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स वैसे भी ये चीजें नहीं करते। यूज योर ब्रेन पावर यहाँ पे पूरा कैंसल्ड है, लेकिन ये करना होता है, ये हमको पता चल रहा है क्योंकि सिलेबस एक्चुअली बोर्ड बता रही है ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से सवाल पूछा भी गया है एक्चुअली, फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन से सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, 2 साल में ही, 2019 में ही सवाल था, फर्स्ट ईयर 2019 जो फर्स्ट बोर्ड पेपर हुआ था उसमें ही कैन यू टेल इसमें से सवाल था। तो वही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, इनको भी करना होता है, लेकिन अब ये साल के लिए आपको ये सब नहीं करना है। पेज 23 पे भी यहाँ देखिए कैन यू टेल कैंसल्ड है, तो ये सब है, कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है यहाँ पे, राइट, पेज 24 था ये। तो अच्छा खासा सिलेबस रिडक्शन हुआ है, पर थोड़ा कॉम्प्लिसिटी है, कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने बोला नहीं, एक सेक्शन पूरा कैंसिल नहीं किया, तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में से कुछ कैंसिल नहीं होता, वो ही एक नेगेटिव बात है, और पॉजिटिव भी है क्योंकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफ कोर्स 2021 बोर्ड इजी होगा कंपेयर टू द क्वेश्चन पेपर, टफ नहीं होगा, इसके हाई चांसेस है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सरसाइजेस है वो अच्छे से कीजिए। ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए कैन यू रिकॉल कैंसल्ड, ये पूरा पार्ट कैंसल्ड है, राइट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप अच्छे से यहाँ पे साइंस में भी अच्छे स्कोर ला सकते हैं, राइट। ये देखिए फाइंड आउट पूरा ये एक्सपेरिमेंट सब कैंसल्ड है, ये जो ऑब्जर्वेशन था इस पेज पे, पेज 32 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 33 पे भी ये ट्राई दिस पूरा कैंसिल्ड है, राइट, डू यू नो, फाइंड आउट सब कैंसिल्ड है। तो साइंस वैसे भी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स। पेज 34 भी पूरा है, पेज 35 पे यूज योर ब्रेन पावर पूरा कैंसिल्ड है, तो इतनी भी हमको जो मदद मिल रही है वो अच्छी बात है, यूज योर ब्रेन पावर, और ये पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है सिर्फ एक्सपेरिमेंट पार्ट कैंसिल्ड है। ये कैन यू रिकॉल ऑन पेज 37 इज कैंसिल्ड, देखिए पेज 38 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 39 पे यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का पूरा जो ट्रायडिस है वो पूरा कैंसिल्ड है, यूज योर ब्रेन पावर यहाँ पे कैंसिल्ड है, कैन यू रिकॉल कैन यू टेल कैंसिल्ड है पेज 39 का। ये सारी चीजें है, तो आप डू यू नो यहाँ पे देखिए ये पूरा कैंसिल्ड है, अगेन डू यू नो, यूज योर ब्रेन पावर, सो यही पार्ट 42 पेज नंबर पे कैंसिल किया है, मतलब ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट थे, तो स्टैंडर्ड क्रक्स जो चैप्टर का है कोई चैप्टर का क्रक्स कैंसिल नहीं हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो चैप्टर के रहते, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो कैंसिल हुए। यहाँ पे देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा पार्ट कैंसिल हुआ है 43 पे, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट कैंसिल हुए हैं पेज 44 पे या फाइंड आउट कैंसिल्ड है, तो ये मतलब हमारा बर्डन इजी तो करता ही है, मतलब आप एक्सरसाइजेस पे ज्यादा आप कंसंट्रेशन करो और उससे ही आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो सकता है, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट पार्ट भी यहाँ कैंसिल किया है इन्होंने, तो थोड़ा हमको लगता है कि ये वैसे भी हम थोड़ी करने वाले थे, पर ठीक है, हमको जो मिल रहा है वो अच्छा ही है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, ये श्योर है कि आपका साइंस का जो पेपर होगा वो अच्छा ही होगा। ये देखिए पेज चैप्टर 4 कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है पूरा, ऑब्जर्व एंड डिस्कस पूरा ये कैंसल्ड है, फिर पेज नेक्स्ट पेज पे कुछ कैंसिल नहीं है, थिंक अबाउट इट सिर्फ कैंसल्ड है यहाँ पे पेज 48 पे, 49 पे ऑलवेज रिमेम्बर कैंसल्ड है फाइंड आउट ये वाला पार्ट, ठीक है। 50 पे यहाँ पे देखिए पूरा ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट बोर्ड ये पूरा कैंसल्ड है, मिनिएचर सर्किट ब्रेक। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है पेज 50 और पेज 51, तो आप देख सकते हैं पेज 50 यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला है मैंने, क्योंकि जो लिखा गया है सिलेबस रिडक्शन की लिस्ट में वहां पे क्या लिखा है कि पेज 51 का एग्जाम्पल 1-2 कैंसिल है, पर पेज 50 पे एग्जाम्पल 1-2 है, और पेज 51 पे एग्जाम्पल 3-4 है, तो अब ये 1, 2, 3, 4 में से 2 एग्जाम्पल्स कैंसल्ड है, लेकिन कौन से 2 वो श्योर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा डायलेमा है, क्लैरिटी नहीं है, बाकी पूरा क्लियर है, बाकी सब उन्होंने क्लियर लिखा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चैप्टर पेज नंबर में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 50 की जगह 51 या क्वेश्चन 2 3-4 की जगह 1-2 ऐसे कुछ लिख दिया है,
तो क्वेश्चन वन टू बोलते तो एक्चुअली क्वेश्चन वन टू यहीं पे है, तो यही दो होने चाहिए, लेकिन पेज नंबर सही लिखना चाहिए था, पेज 50 लिखना चाहिए था, नॉट 51। तो ये क्लैरिटी नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे, बाकी कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट कैंसल्ड, ऑलवेज रिमेम्बर कैंसल्ड, फिर पेज 53, 54 है सब, 55 पे भी सब कुछ है, 56। तो ये देखिए पूरा चैप्टर है, ये कैंसिल नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर का पार्ट कैंसिल है यहाँ पे। फिर 58 यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट कैंसिल है, एसीडीसी का पूरा पार्ट कैंसिल है, ये देखिए। और यहाँ पे लास्ट में ये व्हाट विल यू अचीव, व्हाट विल यू रिक्वायर टू मेक अ डीसी जनरेटर, ये वाला पार्ट कैंसिल है। तो एक्सरसाइज में से भी डिफरेंस बिटवीन एसी डीसी जनरेटर है वो ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन है डायग्राम का वो कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा कुछ कैंसिल नहीं होता। एक यहाँ पे किलोवाट आ का सवाल है, तो किलोवाट आ का भी डू यू नो वाला बॉक्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाता है, बाकी पूरा चैप्टर रहता है। तो हम ज्यादा एक्सरसाइज में ज्यादा कैंसिलेशन नहीं हो रहे, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर हीट, हीट में देखिए ट्राई दिस पूरा कैंसल्ड है, पेज 62, पेज 63 पूरा है, पेज 64 पूरा है, तो हीट का भी पूरा चैप्टर है कैंसिल नहीं होता, पेज 65 पूरा है, पेज 66 भी पूरा है, पेज 67 में यहाँ इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट कैंसिल है, तो इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट सारे उन्होंने कैंसिल किए हैं, 68 पूरा है, 69 पे आईसीटी का पार्ट कैंसिल है ना, सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी सारे है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से जो करने हैं एग्जाम्पल 3 कैंसल्ड है, सॉल्ड एग्जाम्पल 3 कैंसल्ड है, तो ये बहुत अच्छा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, तो ये कैंसिल हो जाता है ना। तो इससे ये भी पता चलता है जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो कैंसिल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सिलेबस जो होगा वो कम हुआ है जो, तो उसका मतलब पेपर जो होगा वो ईजी होगा, ये हमको हिंट क्लियरली मिलती है सिलेबस रिडक्शन से, ये एक हिंट क्लियर है। तो इसीलिए आप इसको पॉजिटिवली ही ले और अच्छी पढ़ाई करें, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको बिल्कुल स्किप ना करें। और साइंस वन में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इजी आने वाले हैं इसका मतलब, तो इजी न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करना चाहिए। सारी असिस्टेंस आपको अवेलेबल है, हमने वीडियो साइंस के ऑनलाइन भी डाले हैं, और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके भी सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो ये फिर देखो चैप्टर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके अंदर भी 73-74 पूरा है, तो चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो कैंसिल नहीं हो रहे। यहाँ पे भी उन्होंने एक और, एक सिर्फ एक ही और ये बात है, यहाँ पे भी उन्होंने टेबल में कुछ लास्ट राइट हैंड साइड का कुछ ऐसे करके लिखा है, ये लास्ट 3 पार्ट्स कुछ कैंसिल होते हैं, पर यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सा नंबरिंग कौन सा कैंसिल होगा, पर यहाँ पे भी कुछ कैंसिल है, तो इसका भी हमको ये सब नंबर याद रखने की करने की जरूरत नहीं होगी, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। कैन यू टेल सिर्फ कैंसिल है, कैन यू टेल भी एक्चुअली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि गिव रीजंस के लिए दोनों आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजंस थे, तो इनको हमको याद करना ही था। ये टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतने ये दो गिव रीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों उन्होंने कैंसिल किए, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर पेज 77 पे कुछ कैंसल्ड है, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड है ना। फिर पेज 78 कुछ कैंसल्ड नहीं है, वही है, तो चैप्टर के पीछे ज्यादा सवाल भी नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। चैप्टर 7 देखते हैं, चैप्टर 7 में देखिए फर्स्ट पेज कुछ कैंसिल नहीं है, सेकंड पेज पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, 81 पे नहीं है, 82 पे ये एक्सपेरिमेंट कैंसिल है, ट्राई दिस कैंसिल है पूरा। पेज 83 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 84 पे तो आप देख सकते हैं चैप्टर्स पूरे पूरे है, 84 पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, 85 पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, सॉल्व एग्जांपल्स भी सारे, ये 86 कुछ कैंसिल नहीं है, यहाँ पे 87 पे डू यू नो कैंसिल, फिर 88 पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, 89 पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 90 पे टेलीस्कोप पूरा कैंसिल है, तो टेलीस्कोप का पूरा पार्ट कैंसिल है, ये देखिए नेक्स्ट पेज तक कैंसिल है, ठीक है, तो ये नहीं होगा टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप नहीं होगा तो ऑफकोर्स ये डायग्राम भी नहीं होगा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का ये डायग्राम भी कैंसिल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर आती है आपकी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में जैसे हमने देखा जो पार्ट कैंसल्ड है टेलीस्कोप का, तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक सवाल कैंसिल होता है, बाकी आपको करना होगा, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कैंसिल नहीं हुए।
फिर मेटलर्जी 8th चैप्टर में देखिए, थिंक अबाउट इट कैंसल्ड है। तो ये भी क्वेश्चंस है जो एक्चुअली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिर्फ 2021 के लिए सारे सवाल कैंसल्ड है। ये पूरा यहाँ पे इतना सारा कंटेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इतना सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब हमने बच्चों को प्रिपेयर किया था तो यहाँ से इतने सवाल बनते हैं, इतना सारा फैक्चुअल है ये, तो ये बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो है यहाँ से सवाल नहीं आ सकते, तो ये इजी हो जाता है आपकी स्टडी के लिए। डू यू नो ये पूरा कैंसिल्ड है। या एपेरेटिस एक रिएक्शन के अंदर तीन कैंसल्ड है, कॉपर, लेड और सोडियम, ये तीन एलिमेंट्स केमिकल्स जो है वो कैंसल्ड है। तो ये उन्होंने बताया, मतलब आपका साइंस प्रैक्टिकल भी होगा तो उसमें ये चेंजेस आएंगे। फिर ये देखिए पेज 94 है, 95 पे ये पार्ट कैंसल्ड है, ये फर्स्ट जो रिएक्शन का जो पार्ट है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, तो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है कहाँ से कहाँ तक, तो उतना ही हमको कैंसिल करना है, कम ज्यादा नहीं, राइट। फिर 96 पे ये पूरा अगेन पूरा रिएक्शन, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है पूरा कैंसिल, ठीक है। फिर 97 पे कुछ कैंसिल नहीं है, 98 पे यहाँ पे एक उन्होंने केमिकल कैंसिल किया, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। जो स्पेसिफिकली लिखा है वो हमारी बुक में हम मार्किंग करें, ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक्चुअली प्रैक्टिकल्स के लिए है इम्पोर्टेंट। 99 हो गया, 99 का 100 पेज नंबर पे भी कुछ कैंसिल नहीं है, 101 पे इंटरनेट माय फ्रेंड कैंसिल है। तो ये एक्चुअली आपका एक्स्ट्रा वर्क है जो ज्यादातर बच्चे कोई करते नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है क्योंकि वो कैंसिल कर रहे सिलेबस, तो ये इंटरनेट माय फ्रेंड उन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये डू यू नो कैंसिल्ड है यहाँ पे पेज 102 पे। पेज 103 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 104 पे कुछ कैंसिल नहीं है, पेज 105 पे पूरा ये डू यू नो वेल्डिंग का जो है ये पूरा कैंसिल्ड है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैंसल्ड है 105 पे, 106 पे कुछ कैंसल नहीं है, 107 पे भी कुछ कैंसल नहीं है, 108 पे डू यू नो कैंसल्ड है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैंसल्ड है। तो इतना पार्ट है, तो एक्सरसाइज में एक्चुअली आपको करना ही होगा, एक्सरसाइज से ज्यादा आपको कैंसलेशन नहीं मिलेंगे। ये सारे जो मेथड है सारे, उनमें से कोई मेथड उन्होंने कैंसिल नहीं किया। फिर आता है 9th चैप्टर कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे कैन यू रिकॉल पूरा कैंसल्ड है, फर्स्ट पार्ट, कैन यू टेल कैंसल्ड है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कैंसिलेशन नहीं है। डू यू नो ये पार्ट कैंसल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर कोई साइंस आगे लेगा तो उसको ये सब पूरा जो है कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप स्टडी अभी नहीं करोगे तो बाद में कभी आपको आगे पढ़ना होगा उसमें दिक्कत आएगी, तो ये सब पार्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखिए कुछ कैंसिलेशन नहीं है, 116 पे नेक्स्ट कैंसिलेशन है ये, डू यू नो। फिर 117 भी पूरा है, 118 पेज भी पूरा है, 119 पेज भी पूरा है, 120 पेज भी पूरा है, 121 पेज भी पूरा है। तो कार्बन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी, अगर एक बार आपने समझ लिया तो। 122 भी पूरा है, 123 पूरा है, 124, 125 सब कुछ है, कैंसिल नहीं हो रहा है, आप देखिए 126 पूरा है, 127 पे डू यू नो कैंसिल होता है, राइट। फिर 128 पे ये अल्कोहल इथनॉइक एसिड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो थी ये साइंस करके वो कैंसिल है बॉक्स। 129 पे कुछ कैंसिल नहीं है, 130 पे कुछ कैंसिल नहीं है, 131 देखो ये बहुत बहुत फैक्चुअल यहाँ पे कंटेंट था, ये सब याद करने का और ज्यादा मेमोराइज करने का काम था यहाँ पे पूरा, वो पूरा कैंसिल हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैंसिलेशन है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये पूरा आपको अब नहीं करना है, पूरा टेबल भी यहाँ पे पूरा ये सब कैंसिल हो जाता है एंड तक, तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, तो लास्ट का पार्ट उन्होंने पूरा कैंसिल किया। तो वही है, एक्सरसाइज में से भी आप देखोगे तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, तो ये इसके बारे में जो है तो वो यहाँ पे एक सवाल है, देखिए write three give names of three natural polymers, write the place of the occurrence and names of monomers from which they are formed, तो ये question cancel हो जाएगा, बाकी तो वो main part वही cancel हुआ है, बाकी तो ऐसे कोई question cancel नहीं होगा, ये सब आपको करना होगा, right। यहाँ पे देखो ये monomer homopolymer है, ये cancel हो जाएगा। फिर next हम देखेंगे last chapter, chapter number 10 space mission, तो space mission में कैसा है देखिए। फर्स्ट पेज पे यहाँ डू यू नो कैंसल्ड है, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल कैंसल्ड है, पेज 135 पे।
पेज 136 पे यूज ऑफ आईसीटी कैंसल्ड है, पेज 137 कुछ कैंसल नहीं है, 138 कुछ कैंसल नहीं है, 139 पे डू यू नो कैंसल्ड है, और यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स भी उन्होंने कैंसिल किए क्लियरली, 139 के दोनों एग्जांपल्स 1 एंड 2 कैंसल्ड है, पूरे पूरे सॉल्व एग्जांपल्स कैंसल्ड है, तो ये अच्छा है. 140 कुछ कैंसिल नहीं है, 141 पे डू यू नो कैंसल्ड है, 142 पे ये पूरा साइंटिस्ट के बारे में जो ये एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में है वो पूरा पार्ट कैंसल्ड है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था ये सब अब कैंसल्ड है. 143 पे यहाँ इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, ये पूरा बॉक्स कैंसल्ड है. वही है, तो एक्सरसाइजेस में तो आपको करना ही होगा. एक्सरसाइज में एक्चुअली वहां से सवाल डायरेक्टली पूछा भी नहीं था, पर हमको जब ये चैप्टर करते तो वो सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सब कैंसिल किया उन्होंने, ठीक है, बाकी सब कुछ है. तो ये आपका साइंस का सिलेबस रिडक्शन है. होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा. इसका वीडियो का पूरा चैप्टर का जो पीडीएफ है, ये फाइल का कैंसिल का पीडीएफ, वो हमने लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to never miss any new updates.